जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ यात्रा बच्चों के साथ जाना चाहते हैं और आपको नहीं मालूम हम केदारनाथ यात्रा पर बच्चों को लेकर किस प्रकार जा सकते हैं और केदारनाथ यात्रा पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, और अगर आप सभी बच्चों के साथ केदारनाथ यात्रा पर जाते हैं तो आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो इस बात की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें और ऐसे ही केदारनाथ यात्रा से जुड़े सभी लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आखिर किस एज के बच्चे को हम अपने साथ केदारनाथ यात्रा पर लेकर जा सकते हैं। तो आप सभी को बता दूं, उत्तराखंड सरकार की तरफ से एज को लेकर ऐसा कोई भी नियम पूरे चार धाम यात्रा के लिए नहीं बनाया गया है कि बच्चे का मिनिमम एज क्या होना चाहिए और वृद्ध लोगों के लिए मैक्सिमम एज क्या होना चाहिए, और यही कारण है हर उम्र के श्रद्धालु केदारनाथ धाम महादेव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसलिए आप सभी भी अपने साथ किसी भी उम्र के बच्चे को केदारनाथ यात्रा पर लेकर आ सकते हैं। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस और सरकार की तरफ से कोई भी रोक टोक नहीं किया जाएगा, क्योंकि बच्चे का जिम्मेदारी सिर्फ माता पिता का होता है, और अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि वे बच्चे के साथ ही केदारनाथ यात्रा पर जाएं, तो वे बड़े ही आराम से अपने बच्चे के साथ केदारनाथ यात्रा पर आ सकते हैं। तो आगे जानते हैं कि आखिर इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और अगर बच्चे के साथ केदारनाथ यात्रा पर आते हैं तो आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो अगर आप अपने बच्चे के साथ केदारनाथ यात्रा पर आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन अपने साथ कर लीजिए और इसके अलावा यहाँ पर आपसे कुछ भी नहीं मांगा जाएगा, न बच्चे को लाने के लिए किसी भी परमिशन का ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो बच्चे का आधार कार्ड साथ लेकर आ सकते हैं, लेकिन वे भी आपसे नहीं मांगा जाएगा। इसलिए डॉक्यूमेंट और परमिशन को लेकर आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं होना है। सिर्फ आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन अपने साथ कर लीजिए और आप अपने बच्चे के साथ केदारनाथ यात्रा पर आ जाइए। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि आपके हिसाब से किस एज के बच्चों को केदारनाथ यात्रा पर हम लेकर आ सकते हैं जिसके बाद हमें कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप किसी भी एज के बच्चों के साथ केदारनाथ यात्रा पर आ सकते हैं, लेकिन क्या बच्चों को केदारनाथ यात्रा पर लाना पूरी तरह से सेफ है, तो चलिए इस बारे में जानते हैं। तो आप सभी को बता दूं, अगर आप सभी मई और जून के महीने में केदारनाथ यात्रा पर बच्चों के साथ आते हैं तो आप सभी अपने साथ एक वर्ष से लेकर 8 वर्ष के बच्चों को केदारनाथ यात्रा पर भूल कर भी ना लाएं, क्योंकि इन दिनों भयंकर भीड़ होती है और हर रोज 20,000 से लेकर 25,000 यात्री केदारनाथ धाम पहुँचते हैं, और ऐसे में सोनप्रयाग से लेकर गौरीकुंड जाने के लिए आपको टैक्सी के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए लाइन में खड़ा रहना होगा, और सुबह 4 बजे ही आपको उठकर लाइन में खड़ा हो जाना होगा, और ऐसे में बच्चों को यहां पर काफ़ी परेशानी होती है और गौरीकुंड से लेकर पैदल मार्ग में घोड़े खच्चर के साथ चल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भीड़ काफ़ी अधिक होती है और ऐसे में यंग लोगों का चलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ज़रा सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। और अगर आप किसी भी तरह से केदारनाथ धाम पहुंच जाते हैं तो दर्शन के लिए भी आपको वहां पर 4 से 5 घंटे के लिए कतार में खड़ा रहना होगा, और इन सभी चुनौतियों के बीच अत्यधिक ठंड और बर्फबारी का भी सामना करना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में कई बच्चे बुरी तरह से बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए बच्चे को सेफ्टी को देखते हुए 1 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चों को केदारनाथ यात्रा पर एक जिम्मेदार पेरेंट्स होने के नाते बिल्कुल भी ना लाएं। लेकिन फिर भी बच्चे को यात्रा पर लेकर आप सभी आना चाहते हैं तो वे आपकी खुद की मर्जी है, आप अपने रिक्स पर बच्चे को यात्रा पर लेकर आ सकते हैं। लेकिन चले जानते हैं आपको किन किन सेफ्टी के साथ चलना होगा। तो दोस्तों, बच्चों को केदारनाथ यात्रा पर लेकर जा रहे हैं तो उसके लिए आप सभी 5 बातों का ख्याल जरूर रखें। सबसे पहले बात करें तो आपको अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन जो है वे अपने साथ ही करना है, और पूरी यात्रा के दौरान अपने बच्चे को साथ लेकर ही चले। वही नंबर 2 में बात करें तो बच्चे के लिए गर्म कपड़े, वाटरप्रूफ जूते, ग्लव्स, रेनकोट एक अच्छे क्वालिटी का पहले से ही मंगवा ले और घर से लेकर ही जाए, क्योंकि हरिद्वार और सोनप्रयाग में आपको जो भी चीज़ मिलेगा वो बहुत ही लो क्वालिटी का और महंगी कीमत में मिलेगा। इसलिए आप सभी अच्छी क्वालिटी का कपड़े वगैरह लेकर घर से ही जाएं। वही नंबर 3 में बात करें तो बच्चे के लिए जुकाम, बुखार, वोमिटिंग और सर दर्द जैसी जरूरी दवाइयां भी साथ लेकर जाएं।
और सबसे जरूरी चीज है, अपने साथ एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर भी अवश्य लेकर जाइए, क्योंकि केदारनाथ धाम काफी ऊंचाई पर है और वहां तक पहुंचते पहुंचते काफी लोगों का सांस भी फूलने लगता है। ऐसे में आप सभी को ऑक्सीजन सिलेंडर जो है आपके बच्चे के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाएगा। इसलिए बिना किसी रिस्क को लेते हुए आप सभी अपने साथ जरूरी दवाइयाँ और एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर भी साथ लेकर ही जाएं। वहीं नंबर 4 में बात करें तो अगर आप सभी गौरीकुंड से अपने बच्चे को घोड़े खच्चर या पालकी पिट्ठू से भेजना चाहते हैं तो आप सभी ये गलती बिल्कुल भी ना करें। आप सभी अगर घोड़े खच्चर पालकी पिट्ठू से खुद जाते हैं तो ही साथ में उनको आप सभी घोड़े खच्चर या पालकी पिट्ठू से लेकर जाइए, अन्यथा आप अगर उन्हें अकेला भेज देते हैं तो ऐसे में आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि कुछ पिट्ठू वाले होते हैं जो आपको होटल जो ऊपर केदारनाथ धाम में बुक किए होंगे वहां तक आपके बच्चे को ले जाकर छोड़ देगा, लेकिन अगर आप घोड़े वाले के साथ भेज देते हैं तो वे आपके बच्चे को मंदिर से 2 किलोमीटर पहले ही छोड़ देगा। और कई बार बच्चे अकेले पहले पहुंचकर घबरा जाते हैं और काफी रोने लगते हैं, और इतनी भीड़ भाड़ में कई बार पेरेंट्स को बच्चे मिल भी नहीं पाते हैं। इसलिए आप सभी ये बात का ख्याल रखिएगा कि अपने बच्चे को कभी भी घोड़े और पिट्ठू वाले के साथ अकेला ना भेजे। कई बार ऐसा घोड़े और पिट्ठू वाले बोलते हैं कि मैं आपके साथ ही चलूंगा, आप पैदल चलिए, अपने बच्चों को मुझे दे दीजिए, मैं घोड़े या पिट्ठू से लेकर आपके साथ ही चलूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कुछ दूर जाने के बाद वे काफी आगे निकल जाएंगे, फिर आप बच्चे को खोजते रहिए। इसलिए आप सभी ये सब प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहते हैं तो प्लीज आप सभी बच्चे के साथ ही रहिए। वहीं दोस्तों नंबर 5 में बात करें तो आप पूरे यात्रा के दौरान अच्छे खाने पीने चीजों का चयन करके ही अपने बच्चे को दीजिए और यात्रा मार्ग में मिलने वाले दूध पिलाने से बचे, क्योंकि पिछले वर्ष फूड डिपार्टमेंट ने खुद बताया था कि हरिद्वार से लेकर पूरे 4 धाम यात्रा मार्ग में सिर्फ और सिर्फ मिलावटी दूध ही मिलता है। इसलिए आप सभी मिलावटी दूध पिलाने से बचे और अपने बच्चे का सेहत का भी ख्याल रखिए। तो दोस्तों ये रहा बच्चों को केदारनाथ लेकर जाने की कुछ जरूरी बातें। अगर आप सभी को और कुछ भी पूछना है तो हमसे इंस्टा पर पूछिए, मैं फौरन ही रिप्लाई देकर आपकी समस्या का समाधान करूंगा। जय श्री केदार, हर हर महादेव।